नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। माँ दुर्गा के नव स्वरूपों के आराधना के महापर्व नवरात्रि की शुरुआत 7 अक्टूबर से हो गई है, जिसको देखते हुए जगह जगह पर लोगों के द्वारा काफी आकर्षक माँ देवी की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इन्हीं सबके बीच एक मनमोहक मूर्ति की तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है, जो स्थापित है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बराहटा गांव में, और इसे बनाया है छिदवाड़ा के एक मूर्तिकार ने। छिदवाड़ा के इस मूर्तिकार का नाम है पवन प्रजापति, जिन्होंने माँ दुर्गा की मुस्कुराती हुई तस्वीर बनाई है और माँ दुर्गा की मुस्कुराती हुई प्रतिमा निर्मित की है। और ये प्रतिमा अब लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के द्वारा जगह जगह वायरल हो रही है। इस प्रतिमा को देखने के बाद ना सिर्फ नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद, सिवनी, छिदवाड़ा तक चर्चा फैल चुकी है, और सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रतिमा अब एक छोटी सी जगह से बढ़ करके पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गई है। मूर्तिकार पवन प्रजापति इस बारे में कहते हैं कि कोरोना काल में उन्होंने लोगों के चेहरे पर उदासी देखी, लोग अपने गमों को भूल जाएं, इसलिए उन्होंने देवी माँ की मुस्कुराते हुए चेहरे वाली प्रतिमा का निर्माण किया। प्रतिमा लोगों को बेहद आकर्षक लग रही है, लोगों के मन को भा रही है, और साथ ही साथ जगत जननी माँ दुर्गे के मुस्कुराते हुए स्वरूप के दर्शन करा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि माँ दुर्गा के नव स्वरूप से, माँ दुर्गा के आशीष से कोविड-19 का खतरा टल जाएगा और आने वाले दिनों में एक बार फिर से जनजीवन पहले की तरीके से सामान्य हो पाएगा। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार।